हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉइंट्स इन पाइप पढ़ने वाले हैं, या इसे आप पाइप इन जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाइप इन जॉइंट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका जो पाइप होता है वो बहुत स्मॉल स्मॉल लेंथ का होता है ना? क्या होता है वो? बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल लेंथ का होता है। कभी जब अपन पाइपलाइन बिछाते हैं तो बहुत 1-2 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर के लायक अपन पाइपलाइन बिछाते हैं। ठीक है, तो वैसा 10-20 किलोमीटर लायक एक लेंथ का पाइप हमको नहीं मिलता है ना? कभी देखे हो कि मतलब 1 किलोमीटर का एक पाइप होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वैसा बनाना भी हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, प्लस उसको 1 किलोमीटर लंबी पाइप को ट्रांसपोर्टेशन करना भी हमको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल लेंथ का पाइप बनाते हैं, जिसे हम लोग मल्टीपल जॉइंट्स के द्वारा हम उसे जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? क्या हम लोग जॉइंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका जो लेंथ ऑफ पाइप थोड़े स्मॉल रहते हैं, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इसी टाइप के पाइप होंगे। उस पाइप का हम लोग ऐसा मल्टीपल पाइप जोड़ेंगे, तब जाकर वो 10-20 किलोमीटर तक आपका पाइप का लेंथ बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग किस किस जॉइंट के सारे हम लोग जोड़ते हैं उसको आज अपन देखेंगे। तो आपका जो जॉइंट होता है नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रिजिड जॉइंट, दूसरा है सेमी रिजिड जॉइंट, और तीसरा है फ्लेक्सिबल जॉइंट। ठीक है, रिजिड जॉइंट क्या होता है? रिजिड मतलब होता है कठोर। हिंदी मतलब क्या है इसका? कठोर मतलब एक बार अगर आपने किसी पाइप को रिजिड जॉइंट के द्वारा जोड़ दिया तो वो एकदम क्या हो जाएगा, एकदम कठोरता से वो एक साथ चिपका रहेगा, है ना? तो उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि किसी को, किसी जॉइंट को मैं अगर नट नट बोल्ट के सारे जोड़ूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक रिजिड जॉइंट बोलूंगा। ठीक है, तो फ्लैंज जॉइंट होता है इसके अंतर्गत। फ्लैंज जॉइंट क्या होता है? आप एक टाइप का रिजिड जॉइंट है। वेल्ड कर दो किसी पाइप को तो वो भी एक प्रकार का एकदम जुड़े रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिजिड जॉइंट बोलेंगे। किसी प्रकार का मूवमेंट उसमें नहीं होता है। ठीक है, सेमी रिजिड जॉइंट मतलब वो रिजिड तो है लेकिन हल्का फुल्का मूवमेंट उसमें कर सकते हैं अपन। ठीक है, सेमी रिजिड जॉइंट में क्या होता है, आपका हल्का फुल्का उसमें मूवमेंट हो सकता है, एकदम कठोरता से वो ऐसा जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, वैसे ही आपका फ्लेक्सिबल जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट मतलब थोड़ा उस जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और इस जॉइंट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपका जो सॉइल है, जो जमीन है, वो अनइवननेस होता है। ठीक है, अनइवननेस मतलब कई सारे जॉइंट ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग क्या, जो जमीन होगा, जो आपका जो सरफेस होगा, ऐसा अनइवननेस सरफेस में हम लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट का प्रयोग करेंगे, ताकि आपका जॉइंट वहां पे अच्छे तरीके से आ जाए। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये सब जॉइंट है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि आपका जो कास्ट आयरन पाइप में हम लोग कौन कौन से जॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, ये कास्ट आयरन पाइप प्लस जो आपका सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप होता है उसमें भी हम लोग इस टाइप का जॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप, कॉन्क्रीट पाइप, या ये भी दे सकते हैं, और एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ठीक है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, ये हमने कल पढ़ा था सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप कैसा होता है, एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो पहला जॉइंट है, सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट, ये आपका तीनों में काम करता है। ठीक है, आपका किस किस में, आपका कास्ट आयरन पाइप में भी ये काम करेगा, सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप में भी ये काम करेगा, प्लस एस्बेस्टस सीमेंट पाइप में भी ये आपका क्या करेगा, काम करेगा। कौन सा? सॉकेट एंड स्पिगोट जॉइंट। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सॉकेट एंड स्पिगोट जॉइंट। सॉकेट एंड स्पिगोट जॉइंट, नाम पे ही समझना, सॉकेट, सॉकेट मतलब एक बड़ा हिस्सा होगा और एक छोटा हिस्सा होगा, और ये इसको अपन क्या बोलेंगे, बड़े हिस्से को सॉकेट बोलेंगे और सॉकेट में छोटे हिस्से को डाल देंगे। ठीक है, ऐसा वो फंसे रहेगा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट बोलते हैं। तो बड़े हिस्से को, इनलार्ज हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, बस यही आपको थ्योरी में समझना है, सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट क्या होता है, बस इसको आप समझिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल एंड स्पीकर जॉइंट बोलते हैं। इसका जो इनलार्ज एंड होता है उसे अपन सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, जो इनलार्ज एंड होगा वो कहलाएगा आपका सॉकेट कहलाएगा, और जो नॉर्मल एंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे। ठीक है, तो सॉकेट से स्पीकर को अपन ऐसा अटैच करेंगे। क्लियर है, मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में आप इस चीज को अच्छे समझोगे कि कैसे इस सॉकेट से स्पिगॉट को अपन जोड़ रहे हैं। ठीक है, बड़े पाइप से बड़े डायमीटर और पाइप से छोटे डायमीटर पाइप घुस जाता है ना, जैसे कि आप लोग खुद घर में पाइप वाइप जब जोड़ते हो तो क्या करते हो, बड़े एंड से पतले एंड को उसके अंदर डाल देते हैं, है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के समझिए कि कैसे वो हमारे जो पाइप है सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट द्वारा वो अटैच होता है। ठीक है, बड़ा एंड का पाइप है उससे अपन छोटे डायमीटर के पाइप को उसमें नॉर्मली ऐसा अटैच कर देते हैं। ठीक है, यही क्या है आपका, सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट है। क्लियर है, एक बार और देख लो, नहीं समझ आया होगा तो। जो बड़ा डायमीटर और पाइप दिख रहा है आप लोग को वो कहलाता है सॉकेट, और जो स्मॉल डायमीटर पाइप दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं स्पीगोट। तो सॉकेट से स्पीगोट को हम लोग इस प्रकार से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग, जो यूज है इसका, हम लोग किस किस में करते हैं,
ऐसा जॉइंट का आप उपयोग किसमें करोगे, पहला तो कास्ट आयरन पाइप के बारे में, ठीक है, कास्ट आयरन पाइप में इसका यूज करोगे, प्लस जो कॉन्क्रीट पाइप है, ठीक है, कॉन्क्रीट पाइप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्लस आपका एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेनली इसका जो काम है, मेनली जो इसका जो यूज है वो किसमें होता है, आपका कास्ट आयरन पाइप में होता है, लेकिन हम लोग कॉन्क्रीट पाइप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको समझ आ गया होगा कि सॉकेट किसको बोल रहे हैं, स्पिगॉट किसको जोड़ रहे हैं, और ये जो दोनों पाइप है साथ में कैसे अटैच होते हैं, ठीक है, जो कास्ट आयरन के दो पाइप रहेंगे वो कैसे अटैच होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइप में कैसा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आपको एक बड़ा डायमीटर दिख रहा है। जब हम लोग पाइप को कास्ट करते हैं तो हम लोग पाइप कैसे बनाते हैं कि वो सॉकेट स्पिगॉट के जैसा उसको बनाएंगे, ताकि जब आप इसको जोड़ेंगे पाइप को जब बिछाएंगे अपन, तो वहां पे वो आसानी से बीस लगे, ठीक है। तो जैसे कि भी आपको दिख रहा होगा ये जो हिस्सा है वो क्या आपका सॉकेट है, और ये जो इसके बगल वाला हिस्सा है वो क्या आपका स्पिगॉट है, मतलब पाइप का एक हिस्सा सॉकेट रहेगा और पाइप का एक हिस्सा स्पिगॉट रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो जैसे कि ये पाइप है ना, ये क्या आपका एक पाइप है, इस पाइप में जो ये वाला हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है, ये सॉकेट का हिस्सा है, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है सॉकेट, और जो पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा है वो कैसा हिस्सा आपका स्पिगॉट, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा आपका स्पिगॉट। तो सारे पाइप हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक हिस्सा उसका सॉकेट रहेगा, एक हिस्सा उसका स्पिगॉट रहेगा, जिससे कि एक के बाद एक के बाद एक क्या होगा आपका पाइप अच्छा होगा, पीछे से अपन कैसे करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे सॉकेट से स्पिगॉट को अटैच करते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पाइप हम लोग बिछाते हैं कास्ट आयरन पाइप के द्वारा, या सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप या एस्बेस्टस सीमेंट पाइप से भी आप इसका इस्तेमाल सॉकेट स्पिगॉट जॉइंट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये सॉकेट बना हुआ है, ठीक है, ये सॉकेट है सॉकेट, और ये है आपका स्पिगॉट, ठीक है, यहाँ ये सॉकेट है स्पिगॉट, क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि सॉकेट और स्पिगॉट है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या बच जाता है, जो इसका जो खाली हिस्सा है वहां पे कुछ स्पेसिंग बच जाता है, क्या बच जाता है वहां पे कुछ स्पेसिंग बच जाता है, वो स्पेसिंग को फिल करने के लिए हम यहाँ पे लेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है, थोड़ा ब्लर दिखेगा लेकिन थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका मैं आपको थोड़ा अच्छा डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा इसका थोड़ा क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा। जब हम लोग ये आपका सॉकेट वाला एंड है, ठीक है, ये आपका सॉकेट एंड है जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये सॉकेट एंड है इस प्रकार से, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा एंड आपका स्पिगॉट एंड है, ठीक है, इनके बीच कुछ स्पेसिंग बच जाता है, उस स्पेसिंग को हम लोग किससे फिल करते हैं, आपका लेड के सारे फिल करते हैं, ठीक है, किसके सारे, लेड के सारे। तो यहाँ पे वही उसी क्वांटिटी का हमको देखना है कि लेड कितना लगेगा, उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लेड नीडेड पर जॉइंट 3.5 to 4 kg फॉर 15 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप आपको चाहिए, ठीक है, मतलब एक पाइप को जोड़ने के लिए आपको कितना चाहिए पर जॉइंट, क्या बोला है यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, पर जॉइंट, सारे पाइप के लिए नहीं बोला है ये, एक जॉइंट को जोड़ने के लिए आपको कितना चाहिए 15 सेंटीमीटर डाया पाइप के लिए आपको कितना चाहिए लेड, 3.5 to 4 kg आपको लेड चाहिए जोड़ने के लिए, अंदर फिल करने के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर आपका 1.2 डायमीटर ऑफ पाइप रहेगा, कितना 1.2 डायमीटर ऑफ पाइप रहेगा, तो आपको यहाँ पे 45 से 50 kg लेड की आवश्यकता होगी उस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का लीकेज सीपेज की समस्या ना आए, ठीक है। तो ये है आपका आपका किसका किसके बारे में हमने पढ़ लिया अभी, सॉकेट एंड स्पीकर जॉइंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट जॉइंट के बारे में, ठीक है, यही है आपका, देखो यहाँ पे ये बता रहा था हम लोग को, पाइप का एक हिस्सा में क्या रहता है आपका सॉकेट रहता है, पाइप का एक हिस्सा कैसा है आपका सॉकेट है, ये वाला हिस्सा क्या है सॉकेट, ठीक है, और पाइप का दूसरा हिस्सा है स्पिगॉट, ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को स्पिगॉट, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पाइप को कास्ट करते हैं, कास्टिंग टाइम ही हमको ये ध्यान देना है कि हमको उसमें कौन सा जॉइंट देना है, ठीक है, ये अच्छे से समझना हम लोग, कास्टिंग टाइम ही आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा जॉइंट आपको यूज करना है, उसके हिसाब से हम लोग पाइप के एंड को वैसा बनाएंगे ताकि उसको जॉइंट करते टाइम आसानी हो हम लोग को, ठीक है। ये हो गया आप सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है आपका फ्लैंज जॉइंट, ठीक है। तो फ्लैंज जॉइंट क्या होता है, अभी हमने क्या करे थे, एक सॉकेट था, एक आपका एक बड़ा डायमीटर पाइप था, एक छोटा डायमीटर पाइप था, बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर को हम लोग क्या डाले, ऐसा फंसा दिए तो फंस गया था, इसको अपन क्या बोलते हैं सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेम डायमीटर ऑफ पाइप है, सेम डायमीटर ऑफ पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लैंज जॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। फ्लैंज जॉइंट में हम लोग बोल्ट, नट एंड बोल्ट का सहारा लेते हैं, नट एंड बोल्ट के सहारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो सेम डायमीटर ऑफ पाइप है उसको एक साथ हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि दो पाइप है, दो पाइप हम लोग कैसे जोड़े हैं, आपका नट एंड बोल्ट के सारे यहाँ पे जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नट एंड बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे अपन नट लगाएंगे और इसको अपन बोल्ट से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैंज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नट एंड बोल्ट के साथ क्या करा, और बीच में जो आपको गैप दिख रहा होगा, ये जो गैप है इसके बीच में क्या लगाते हैं, रबड़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रबड़, ताकि जो उसका गैप को फिल कर दे और किसी प्रकार के इस पाइप में लीकेज ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे नट बोल्ट लगाएंगे सिस्टम, ठीक है। और बताते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से, इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए लाइन ड्रॉइंग का, ठीक है। देखते हैं, देखो ऐसा दो पाइप को सेम डायमीटर पाइप अटैच किए हैं और प्लस इसको बोल्ट से हम लोग टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नट एंड बोल्ट के सहारे से किसी पाइप को टाइट करने की प्रक्रिया का हम क्या बोलेंगे, फ्लैंज जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इसको फ्लैंज जॉइंट बोलते हैं। तो इस फ्लैंज जॉइंट को देने के लिए आपको पाइप में ये एंड देना पड़ेगा, आपके पाइप में जो ये एंड था आपका उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा एंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये आपका एक्स्ट्रा एंड आपको दिख रहा है ऐसा निकला हुआ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो एंड है आपको ये देना पड़ेगा, तभी आप फ्लैंज जॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एंड दोगे तब मतलब वहां पे एंड ऐसा देना है, बोल्ट के लिए वहां पे होल देना है ना, लोहे पे अगर हम लोग कास्ट का पाइप बना रहे हैं तो वैसा वहां पे एंड देंगे, फिर बोल्टिंग के लिए वहां पे होल देंगे ताकि आपको वहां पे बाद में होल करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, फ्लैंज जॉइंट को अटैच करेंगे और बीच में इसके अपन क्या लगा देंगे, रबड़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका खाली पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पूरा रबड़ लगा देंगे, क्लियर है। आगे देखते हैं, ठीक है, इसका थोड़ी देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फ्लैंज जॉइंट होता है वो किस टाइप का जॉइंट है, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, ठीक है। रिजिड जॉइंट, रिजिड जॉइंट मतलब अगर हम लोग किसी पाइप को फ्लैंज जॉइंट के साथ जोड़ेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूती के साथ वो हमेशा जुड़े रहेगा, ठीक है। तो इस जॉइंट का हम लोग प्रयोग कहाँ पे नहीं करना है, जिस पाइप में ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, वैसे पाइप में हम लोग को फ्लैंज जॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी पाइप में वाइब्रेशन होता है तो बोल्ट के खुलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। किसी पाइप में, किसी स्टील स्ट्रक्चर में अगर वाइब्रेशन आ रहे हैं, वहां पे बोल्ट लगा हुआ है तो उसका खुलने का चांस रहता है, ठीक है। तो ऐसा पाइप जहाँ पे वाइब्रेशन ना आए वहां पे हम लोग फ्लैंज जॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पे आपका वाइब्रेशन आता है वहां पे फ्लैंज जॉइंट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका बोल्ट क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका वाइब्रेशन डिफ्लेक्शन होगा, वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे बोल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोल्ट और नट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो ये जॉइंट है थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नट बोल्ट, बड़े बड़े नट बोल्ट होंगे वो थोड़े कॉस्टली आएंगे, जिससे कि ये जॉइंट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्लियर है। तो ये सब चीज अपन लिख सकते हैं, एक्सपेंसिव एंड मोस्टली यूज्ड फॉर इंडोर वर्क, पंपिंग स्टेशन एंड फिल्टर प्लांट, ठीक है। पंपिंग स्टेशन में भी हम इसका यूज करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, वहां पे हम लोग इस टाइप का फ्लैंज जॉइंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे कहीं भी आप लोग टैंकी वंकी होगा ना, घर के आसपास बड़ा बड़ा टैंक होगा, ओवरहेड टैंक होगा, वहां पे आप जाके देखना इस टाइप का फ्लैंज जॉइंट वहां पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जॉइंट के बारे में, इसका डायग्राम तो मैंने आपको दिखाई दिया ना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है मैकेनिकल जॉइंट और ड्रेसर कपलिंग, या इसे अपन कपल्ड जॉइंट भी बोलते हैं। क्या जॉइंट बोलते हैं इसे अपन, कपल्ड, CoupledCLED, ठीक है, कपल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कपल जॉइंट मतलब यहाँ पे दो स्टील का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कपल बोल रहे हैं। दो कपल साथ में होंगे उसको अपन जोड़ देंगे, ठीक है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, कपल जॉइंट बोल रहे हैं। दो यहाँ पे एक लोहे का एक पट्टे की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कपल जॉइंट बोल रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक का। कैसे काम करता है, कैसे इसको अपन आप समझ सकते हो, इसको मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका वीडियो, ठीक है। देखिए ये जो आपको दो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कपल बोल रहा हूँ, ठीक है। दो हिस्से हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या, कपल जॉइंट है। इस कपल जॉइंट को हम लोग पाइप में लगाएंगे और दोनों को बोल्ट से टाइट कर देंगे। कैसे टाइट करेंगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऐसे दो पाइप को जोड़े हैं, बीच में रबड़ लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, एक रबड़ का प्लेट लगा दिया है, ठीक है, ताकि जॉइंट से किसी भी प्रकार के यहाँ पे सीपेज लीकेज की समस्या ना आए, ठीक है। ये एक रबड़ का प्लेट लगा दिया है ताकि जब अपन बोल्ट को टाइट भी करें ना तो आपका पाइप में किसी भी प्रकार का डैमेज
ना आए, ठीक है, रबड़ उसको एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए अपन वहां पे रबड़ लगाते हैं ताकि बोल्ट को टाइट करेंगे तो पाइप में किसी प्रकार का डैमेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो कपल को अपन साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कपल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कपल जॉइंट कैसे दिखता है, कैसे काम करेगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका आप थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं इसमें। तो जैसे कि आपको दिखा होगा यहाँ पे सेम डायमीटर ऑफ पाइप को अटैच किया जा रहा था कपल के सारे। तो जब भी हम लोग सेम डायमीटर ऑफ पाइप को अटैच करना होगा साथ में, तो हम लोग कपल जॉइंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस जॉइंट के लिए कि आपको पाइप के एंड में किसी भी टाइप का वहाँ पे शेप नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर कपल जॉइंट देना है किसी पाइप पे तो अपने को वहाँ पे एंड पे पाइप के एंड पे किसी प्रकार का शेप देने की आवश्यकता नहीं है। दो पाइप को अपन साथ में लाएंगे, ऊपर एक रबड़ का प्लेट लगाएंगे और कपल के साथ उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो रबड़ इसलिए लगा रहे ताकि वहाँ पे लीकेज की समस्या ना आए। और यहाँ पे आपको यूज कब करोगे, जब आपका आपके पास सेम डायमीटर का पाइप रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लिखा हुआ है यूज टू जॉइन द प्लेन एंड्स ऑफ सी आई पाइप। प्लेन एंड्स मतलब एक प्रकार से आप इसे सेम डायमीटर पाइप भी बोल सकते हैं, या वहाँ पे एक समतल एंड होगा जहाँ पे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ पाइप नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग उस टाइप का कपल जॉइंट का या मैकेनिकल जॉइंट या अपन ड्रेस कपलिंग जॉइंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग आप जैसे कि देखें कि इसमें भी आपका स्टील का बोल्ट यूज हो रहा है, नट एंड बोल्ट यूज हो रहा है और कपल यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा बोल्ट यूज नहीं हो रहा है, ज्यादा इसमें नट बोल्ट यूज नहीं हो रहा है, ज्यादा नट बोल्ट यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके इस्तेमाल जहाँ पे वाइब्रेशन आता है वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्लैंज जॉइंट था, फ्लैंज जॉइंट में मल्टीपल बोल्ट्स लगे हुए थे और वहां पे अगर आपका ज्यादा वाइब्रेशन आएगा तो बोल्ट खुलने की समस्या आ सकती थी, जिससे कि आपका लीकेज की समस्या आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपका पहले यहाँ पे कपल लगा है, कपल के बाद यहाँ पे आपका बोल्ट लगा है। ठीक है, और बोल्ट भी मात्र दो लगे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे वाइब्रेशन होता है वहां पे हम लोग इस कपल जॉइंट का मैकेनिकल जॉइंट का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है, मतलब इस जॉइंट को अगर अपन लगा देते हैं तो इस जॉइंट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए ये एक प्रकार का रिजिड जॉइंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, कैन विथ हैंड वाइब्रेशन यूजफुल फॉर पाइप टू बी कैरिड ओवर ब्रिजेस बिलो द ब्रिजेस इन हैंगर। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ब्रिजेस होते हैं, कई सारे ओवर ब्रिज होते हैं, पुलिया होता है जहाँ पे रिवर, कई सारे आपका रिवर होते हैं वहां पे ब्रिज बनाते हैं, उस ब्रिजेस के बगल में ही साथ साथ हम लोग पाइपलाइन भी बिछा देते हैं, पाइपलाइन भी ले जा देते हैं। ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच अगर कोई नदी आ रही है और नदी के लिए हम लोग अलग से एक ब्रिज नहीं बनाएंगे पाइपलाइन बिछाने के लिए, तो एक नॉर्मल ब्रिज होता है जहाँ पे आपका व्हीकल पार होता है, उसी आपके ब्रिज में हम लोग पाइपलाइन को अटैच कर देंगे साथ में। ठीक है, तो जब गाड़ी चलती है, ट्रक चलती है, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। आप लोग कभी महसूस नहीं किए होंगे तो कभी आप लोग ना किसी पुल पे जाना और वहां पे बस खड़े होना, बाइक को स्टैंड लगा के आपसे वहां पे खड़े होना, जब गाड़ियां जाती है ना, ट्रक व्रक जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है, हैवी व्हीकल जाती है, तो उस ब्रिज में ना अचानक से एकदम थोड़ा हिलने लगता है, वाइब्रेशन होता है ना, तो उसी वाइब्रेशन को झेलने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे कपल जॉइंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपका कपल जॉइंट के बारे में। डायग्राम इसका सब ना बहुत अच्छे तरीके से बुक में दिया है, आप बुक में देखोगे तो आपको सारे डायग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारा बुक है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बीसी पुणे का, इसमें सारे के सारे डायग्राम दिए हैं। एग्जाम में आता है आपको डायग्राम कंपलसरी बनाना है ना, बिना डायग्राम के कोई भी इसको नहीं लिखेगा। पहला हो गया आपका सिस्टी गॉड एंड सॉकेट जॉइंट, फिर यहाँ पे फ्लैंज जॉइंट का डायग्राम है, कपल जॉइंट का भी यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, सबको आपको देख के बनाना है। ठीक है, इसके बाद अभी अपन एक्सपेंशन जॉइंट पढ़ेंगे, एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, मैकेनिकल जॉइंट, ड्रेसर जॉइंट, ड्रेसर कपलिंग या कपल जॉइंट के बारे में हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन फ्लेक्सिबल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबल जॉइंट, फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा लचीला होगा, है ना, तो लचीला जॉइंट या फ्लेक्सिबल जॉइंट हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपका जो सरफेस है वो समतल ना हो। ठीक है, वो अगर कोई सा अनइवेननेस सरफेस जहाँ पे होगा, जहाँ की जो भूमि है, जो लैंड है, वो क्या होगा, अनइवेननेस होगा, तो वहां पे हम लोग किस टाइप का जॉइंट यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कहाँ यूज करेंगे, यूज में लार्ज स्केल फ्लेक्सिबिलिटी आर रिक्वायर्ड, मतलब अनइवेननेस जहाँ पे होगा, अनइवन होगा, जमीन बैड होगा, ठीक है, उसको वहां पे अपन फ्लेक्सिबल जॉइंट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आप बहुत सारा ड्रेसिंग करोगे, ड्रेसिंग मतलब आप क्या करोगे, बहुत सारे जमीन को छीलोगे,
छिल के पहले अपन उसको साफ करेंगे, समतल करेंगे, फिर उसे पाइपलाइन बिछाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग जमीन को साफ नहीं करना है, जमीन को इवन नहीं करना है, वहां पे हम लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का सॉकेट एंड स्पिगोट टाइप का रहता है, बट ये थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप रहता है, ठीक है। कैसे फ्लेक्सिबल रहेगा आगे मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसमें मोड़ेंगे ना हम लोग तो उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, टर्निंग वर्निंग पोजिशन पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, फ्लेक्सिबल जॉइंट का। हम लोग कहाँ पे टर्निंग पे पाइप को मोड़ रहे हैं, जहाँ पे पाइप टर्न हो रहा है, कर्वेचर फॉर्म पे हम लोग इस फ्लेक्सिबल जॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है आपका एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट भी एक प्रकार का फ्लेक्सिबल जॉइंट ही है, ठीक है। एक्सपांशन जॉइंट नाम समझना, एक्सपांशन, अभी आपने सीमेंट कॉन्क्रीट पढ़ा होगा तो उसमें एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दो वर्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब होता है फैलना, ठीक है। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, फैलना। कैसे फैलेगा, देखो एक्सपांशन मतलब क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ क्या होता है, सिकुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार पाइप में इतनी गर्म हो जाती है, थर्मल स्ट्रेसेस आ जाते हैं जिसके कारण पाइप फैल जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टील पाइप है, स्टील पाइप क्या होगा, लोहे का पाइप है, आयरन पाइप है, कास्ट आयरन पाइप है, ये सब क्या है, लोहे के पदार्थ है। तो क्या होगा, जब धूप पड़ेगा, बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये फैलने के चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है। क्या करेंगे, आपकी जो पाइप लाइन है, पाइप्स है, वो थोड़े फैलेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका हाई टेम्परेचर होगा तो पाइप क्या होगा, फैलेगा, और जब आपका लो टेम्परेचर होगा तो पाइप आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सपांशन किसको बोलते हैं, फैलने को बोलते हैं एक्सपांशन, और कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे, जो अंदर की तरफ खिंचाव दबाव सिकुड़ेगा, पाइप अपने आप छोटा हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जहाँ पे ऐसे स्थान जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, थर्मल स्ट्रेसेस आए, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी पड़ रही है, वो ठीक है, जहां तक वहां पे ठंड पड़ रहा हो, ठंड पड़ेगा तो पाइप सिकुड़ सकता है, तो ऐसे स्थान पे हम लोग एक्सपांशन जॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक्सपांशन जॉइंट एक प्रकार का फ्लैंज जॉइंट टाइप का है यहाँ पे, ठीक है। फ्लैंज यहाँ पे भी आपका नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे आपका गैप है, इसी गैप में क्या होगा, आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जब एक्सपांश होने वाला होगा तो ये इस प्रकार से ऐसे खिसक जाएगा, ठीक है, ऐसे क्या करेगा, खिसक जाएगा तो एक्सपांड हो जाएगा, और बीच में यहाँ पे रबर का गैस्केट लगा हुआ है, ठीक है। रबर का गैस्केट इसलिए लगा हुआ है ताकि यहाँ से पाइप, यहाँ से पानी आपका लीकेज ना हो, ठीक है। जब आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो तो पाइप पानी जो है यहाँ से ना निकले, ठीक है, यहाँ से ना निकले, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रबर का गैस्केट लगा दे रहे हैं, रबर पे एक पदार्थ लगा दे रहे हैं ताकि वहां पे किसी प्रकार का लीकेज ना हो, क्लियर है। तो एक्सपांशन होगा तो ये ऐसे फैल सकता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये आसानी तरीके से सिकुड़ भी सकता है, ठीक है, क्या करेगा, ये सिकुड़ भी जाएगा, क्लियर है। तो ये मतलब आपका जो जॉइंट है उसमें मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। जो आपका एक्सपांशन जॉइंट है ये इसमें क्या रहेगा, आपका मूवमेंट होता रहेगा। एक्सपांशन जॉइंट रिजिड जॉइंट का पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ना, आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या, एक्सपांशन जॉइंट है। जब आपका पाइप गर्मी झेलेगा तो वो फैल सकता है, और जब आपका पाइप ठंडी झेलेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हम इस जॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं इसका। तो एक्सपांशन जॉइंट क्या होता है, प्रोवाइडेड एट सुटेबल इंटरवल इन द पाइपलाइन टू कॉन्ट्रैक्ट द थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस, ठीक है। जहां पे गर्मी होगा वहां पे थर्मल स्ट्रेसेस आएगा, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सॉकेट एंड कास्ट इज फ्लैंज एंड स्पिगोट एंड इज प्लेन। यहाँ पे भी सॉकेट एंड स्पिगोट का यूज किया जा रहा है, मतलब एक बड़ा डायमीटर का पाइप है, जैसे कि ये जो पाइप वन है इसमें का जो एंड है बड़ा डायमीटर है, और जो पाइप टू है इसका जो डायमीटर है छोटा डायमीटर है, इसलिए हमने इसको सॉकेट एंड स्पिगोट का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। जो सॉकेट है वो बड़ा डायमीटर ऑफ पाइप है, और जो स्पिगोट है वो छोटे डायमीटर ऑफ पाइप है, लेकिन जॉइंट उस प्रकार का नहीं है, ठीक है। ये कौन सा एक्सपांशन जॉइंट है, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, ऑन एक्सपांशन सॉकेट एंड मूव फॉरवर्ड एंड द गैप इक्वल टू एल अल्फा टी जस्ट क्लोज्ड, ठीक है। आप इसको मत लिखना, आप बस यहाँ पर लिखना कि जब आपका एक्सपांशन होगा तो सॉकेट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। या क्या होगा, जब आपका एक्सपांशन होगा तो सॉकेट एंड क्या होगा, मूव फॉरवर्ड आएगा, पास आ जाएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, द सॉकेट एंड मूव बैकवर्ड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, जब आपका एक्सपांड होगा तो वो फैलेगा, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। फैलेगा मतलब आपका मूव फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड हो रहा है मतलब आगे की ओर खिसकेगा, और जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो बैकवर्ड अंदर की ओर आपका सिकुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं,
क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट जो है ये देखो यहाँ पे एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन वाला डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं आपको समझाता हूँ, इस वाले डायग्राम को देखो, ठीक है। रबर का यहाँ पे गैस्केट लगा हुआ है, ठीक है, रबर का गैस्केट लगा हुआ है जिससे कि पाइप का मूवमेंट होगा, ठीक है। ये एक प्रकार का फ्लैंज जॉइंट में हम लोग फ्लैंज जॉइंट एक प्रकार का ये, और इसमें हम लोग क्या किए बीच में आपका एक्सपेंशन भी दे दिया, एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो रबड़ का जो गैस्केट है यहाँ पे वो ऊपर नीचे या आपका सिकुड़ सकता है या आपका फैल भी सकता है, ठीक है। तो ये आप रबड़ का इस्तेमाल भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एक्सपेंशन जॉइंट ही है। इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं मिला, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे ना इसका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेंशन जॉइंट है। बीच में रबड़ लगा दिया गया, रबड़ आपका फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसको अपन एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जॉइंट इन गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप, ठीक है। तो जीआई पाइप होता था, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप होता था, उसमें हम लोग कौन कौन से प्रकार का जॉइंट यूज कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जितने भी यहाँ पे गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप होते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप है, ठीक है, जीआई पाइप हमने कल क्या पढ़ा था, जीआई पाइप आपको याद होगा हमने कल पढ़ा था जीआई पाइप के बारे में, ठीक है। तो जीआई पाइप में अपन क्या करते हैं, आप उस पाइप को अगर सेम डायमीटर ऑफ पाइप होगा उसमें हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वेल्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको दो पाइप है, सेम डायमीटर पाइप है, जीआई पाइप है या स्टील पाइप बोल सकते हैं इसको, अपन ऐसे अटैच करेंगे और उसमें हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट वेल्ड कर देंगे जिससे कि दो पाइप एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो वेल्ड हो रहा है इसे अपन क्या बोलते हैं, बट वेल्ड, ये क्या एक प्रकार का बट वेल्ड है। वेल्डिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में अगर वेल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वेल्डिंग के बारे में आपको वर्कशॉप में पढ़ाया जाता है वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बट वेल्ड का यूज कर रहे हैं, और इस वेल्डिंग हम लोग ऐसे वेल्ड कर रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का होल ना हो, किसी प्रकार का यहाँ पे छिद्र ना हो। अगर कोई सा भी छोटा से छोटा यहाँ पे होल बच जाएगा, सही तरीके से वेल्ड नहीं होगा, तो वहां से लीकेज की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो पाइप को आराम से अच्छे तरीके से वेल्ड कर सकते हैं, और वेल्ड सबसे बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, वेल्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे आपका जो जो जॉइंट है वो लंबे समय तक अच्छे तरीके से रहता है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो इस पाइप में जो गैल्वनाइज स्टील पाइप होंगे, गैल्वनाइज आयरन पाइप होंगे, वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका आपका वेल्डिंग जॉइंट वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, वेल्ड कर सकते हैं। एक होता है रिवेटेड, रिवेट जॉइंट क्या होता है आपको मैं कैसे बताऊं, नट एंड बोल्ट होता है ना, नट एंड बोल्ट के जैसे ही आपका रिवेट होता है, ठीक है, इसको समझना यहाँ पे रिवेट जॉइंट क्या होता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका एक नट एंड बोल्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरह का ये नट हो गया, और यहाँ पे थ्रेड्स होंगे, ऐसे ऐसे थ्रेड्स होंगे बहुत सारे, और यहाँ पे आपका एक बोल्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल आपका नट एंड बोल्ट सिस्टम है, ठीक है। और रिवेटेड क्या होता है, रिवेटेड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझना इस बात को, आपका नट रहेगा ही, ठीक है, नट रहता ही है, इस प्रकार से क्या रहता है आपका, नट रहता ही है, ठीक है। और नट के ये जो बैक हिस्सा है इसको अपन करते हैं हॉट, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, फुल गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, हैमर से ठोकेंगे, क्या करेंगे, हैमर से इसको ठोकते हैं, हैमर से क्या करेंगे, इसको ऐसा पुश करेंगे, ठोकेंगे बहुत जोर जोर से, जब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हैमर से हथौड़े से ठोकेंगे। तो ठोकने से क्या होगा, ये जो एंड है इसका वो ऐसे आ जाता है, ठीक है, एंड क्या होता है, वो ऐसे आ जाता है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, एंड फैल जाएगा, एंड क्या करेगा यहाँ पे ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फैल जाएगा और वो गर्म रहता है, गर्म रहने पे वो फैल जाएगा, और फैल के वो जब ठंडा हुआ तो वैसा वो जम जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो नट के एंड को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने के बाद उसे प्रेशराइज, उसमें हैमरिंग कर रहे हो, या कोई सा भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो हैमर करने के लिए, और जिससे कि आपका जो गला हुआ लोहा है वो अच्छे से वहां पे फैल जाएगा, दब जाएगा, और एक प्रकार का ये रिजिड जॉइंट रहता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। ये आपको कौन सा जॉइंट है, रिवेटेड जॉइंट है, रिवेट जॉइंट, ठीक है। इसके बारे में आप स्टिल जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे रिवेट जॉइंट क्या होता है, ठीक है। आपको बस मैं अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ कि रिवेटेड जॉइंट क्या होता है। तो रिवेटेड जॉइंट का भी हम इस्तेमाल करते हैं जीआई पाइप में। इसके बाद जो आपका जो एक्सपांशन जॉइंट है, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है,
कि जो एक्सपांशन जॉइंट का आप इस्तेमाल कब करोगे, एक्सपांशन जॉइंट का इस्तेमाल तब करोगे आप जब आप पाइप को सरफेस के ऊपर बिछाओगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है, एक्सपेंशन जॉइंट आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आप अपने पाइप को जमीन के ऊपर बिछाओगे। जमीन के नीचे अगर आप दफना के बीच को क्या कर रहे हो, पाइप लाइन बिछा रहे हो, वहां पे एक्सपेंशन जॉइंट देने का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब नहीं है, अगर आप जमीन के नीचे बिछाओगे और उसके ऊपर मिट्टी से क्या करते हैं, उसको पूरा पार्ट देंगे बहुत अच्छे तरीके से, पूरा आपके जो मिट्टी को फिल कर देंगे, गड्ढे में फिल कर देंगे, तो वहां पे किसी प्रकार का थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जहां पे थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा वहां पे हम लोग एक्सपांशन जॉइंट नहीं देंगे, ठीक है। तो वो चीज यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे अपन पढ़ सकते हैं आपका जीआई पाइप में अगर कहीं पे क्या नहीं आता, थर्मल स्ट्रेस नहीं आता है, तो वहां पे अपन एक्सपांशन जॉइंट नहीं देंगे। लेकिन जीआई पाइप में अगर आपको कहीं पे अगर आप किसी पाइप को सरफेस के ऊपर बिछा रहे हो, ठीक है, आप जमीन के ऊपर रख रहे हैं, तो वहां पे अपन एक्सपांशन जॉइंट देने का कुछ मतलब हो सकता है, क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं, जितने जॉइंट थे ना इसके बारे में मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। जो मेन मेन जॉइंट है सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, छोटे मोटे जॉइंट है जिसे अपन डायग्राम में देखेंगे, इसके बारे में तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये देखते हैं, ठीक है, आपका जो एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट पाइप है, ठीक है, एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट पाइप को हम लोग और किस प्रकार से अपन अटैच जोड़ सकते हैं, इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा वाला कई बार क्या होता है, हम लोग नॉर्मली हम लोग दो पाइप रहते हैं, सीमेंट कंक्रीट के दो पाइप रहते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, नॉर्मली वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, सीमेंट छाप देते हैं, ठीक है। तब भी आपका वहां पे जॉइंट जो दो पाइप के बीच का गैप को अपन फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप को जोड़ने के लिए जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, पहले मैं आपको यही बताया था कि सॉकेट एंड स्पिगट जॉइंट का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि इसमें आपका एस्बेस्टस सीमेंट पाइप को जोड़ने के लिए भी, ठीक है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखा रहा, ये आपका एक प्रकार का एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट पाइप है, इसमें जो ये आपको जो एंड दिख रहा है, एक एंड है इसका सॉकेट है, ठीक है, एक एंड है इसका सॉकेट और जो सेकंड एंड है इसका स्पिगॉट है, ठीक है। मतलब एक पाइप का एक एंड होगा सॉकेट और एक एंड होगा स्पिगॉट, दोनों अपन सॉकेट और स्पिगॉट साथ में टच करेंगे और बाहर अपन सीमेंट से उसको उसको सही तरीके से प्लास्टर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि वहां पे लीकेज लीकेज की समस्या ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग आपका एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट पाइप में भी सॉकेट एंड स्पिगॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टेक्निक आते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ जॉइंट है, आप उसको एक बार बुक में देखिए अच्छे से समझ आएगा। जो मेन जॉइंट था, मेन टाइप ऑफ जॉइंट था, वो हमने अभी कवर कर लिया, जैसे कि सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट, फिर फ्लेक्सिबल जॉइंट, फ्लेंज जॉइंट, कपल जॉइंट, एक्सपांशन जॉइंट, ये सब मेन जॉइंट है जो आपके पाइपलाइन में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मे भी आपको समझ आ गया होगा जॉइंट के बारे में, ठीक है, किस किस प्रकार से जॉइंट है उसको अपन कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे वीडियो देख के अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके, ठीक, थैंक यू।